मैं मोहम्मद नकवी बंजर कमाती टेढ़ा गाज किशनगढ़। मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूँ। मुझे बहुत दर्द हो रहा है एएमयू किशनगंज की बदहाली को देखते हुए। एएमयू किशनगंज आज बदहाली की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। कहीं नहीं कहीं इसके ज़िम्मेदार हम सब अवाम हैं और जनप्रतिनिधि भी। इसकी बदहाली को दूर करने के लिए हम सभी किशनगंज वालों को, सीमांचल वालों को एक साथ एक कड़ी में आना होगा। अगर इसके तरफ हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ये कहीं न कहीं हो सकता आने वाले वक्तों में ये बंद हो जाए और आने वाले नस्लों के लिए ये बड़ी मुश्किलों का सामना साबित हो सकता है। क्योंकि एएमयू सेंटर कई साल बुनियाद डालने का होने के बावजूद अभी तक वो जस का तस पड़ा हुआ है। 224 एकड़ ज़मीन में इसकी बिहार सरकार ने एएमयू सेंटर को दिया, वक्फ कर दिया, लेकिन इसमें काम अब तक नहीं हो पा रहा। इसके लिए क्या करना होगा ज़रा सोचिए नाजरीन, और गौर कीजिए इसके लिए क्या करना होगा, इसके ज़िम्मेदार कौन है। शुक्रिया, खुदा। अगर आप खामोश हैं तो एएमयू किशनगंज की बदहाली के लिए आप भी ज़िम्मेदार हैं। सर सैयद डे के मौके पर आइए हम सब मिलकर एएमयू किशनगंज के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं। कैसे करें इस चीज़ को? 2 से 3 मिनट का एक वीडियो क्लिप बनाइए एएमयू किशनगंज के बारे में। आपके दिल में जो भी दर्द है उसे एक बयां कीजिए उस वीडियो में, और इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए।